टेस्ट और टी20 सीरीज के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि मंगलवार यानी कल सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। बता दें आपको कि टी20 के बाद वनडे सीरीज भी रोमांचक होने की पूरी पूरी उम्मीद है। इंग्लैंड जहां दुनिया की नंबर वन टीम है तो भारत दूसरे नंबर पर है, यानी ये मुकाबला दुनिया की दो बेहतरीन टीमों के बीच होगा। बता दें आपको कि दोनों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया की नजर टेस्ट और टी20 के बाद वनडे सीरीज में जीतने की होगी। वहीं दुनिया की नंबर वन टीम को हराने के लिए टीम इंडिया को पूरा जोर लगाना होगा और इसके लिए अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 को मैदान पर उतारना होगा। ऐसे में आपको बता दें कि कल होने वाले पहले वनडे से पहले कप्तान कोहली के लिए एक बड़ी टेंशन सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि टी20 सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार यादव ने कोहली को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर या सूर्य कुमार यादव में से किसको मौका दिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव की बात की जाए तो उन्होंने अभी तक एक भी वनडे मुकाबला नहीं खेला है। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, हालांकि इस मैच में उन्हें बैटिंग का मौका नहीं मिला। इसके बाद तीसरे मुकाबले में उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा, लेकिन चौथे मुकाबले में उन्होंने तीसरे नंबर पर भेजा गया और उन्होंने 57 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद सीरीज के निर्णायक मुकाबले में उन्होंने 32 रन बनाए। ऐसे में आपको बता दें कि टी20 सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने के बाद सूर्य कुमार यादव को वनडे स्क्वाड में जगह मिल गई है। उन्होंने अपने प्रदर्शन से वनडे टीम में चौथे नंबर के लिए दावा मजबूत कर लिया है। हालांकि इस नंबर पर श्रेयस अय्यर पहले से बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। दरअसल आपको बता दें कि अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। उन्होंने पहले मुकाबले में 2 रन बनाए, वहीं दूसरे में 38 और तीसरे मैच में उन्होंने 19 रन ही बनाए थे। ऐसे में अय्यर ने 3 मैचों में कुल 59 रन ही बनाए थे। हालांकि श्रेयस अय्यर का ओवरऑल वनडे रिकॉर्ड भी अच्छा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पर टीम इंडिया की तरफ से बैटिंग करते हुए नजर आए। बता दें आपको श्रेयस अय्यर ने अब तक 21 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 44.83 की औसत से 807 रन बनाए हैं। बता दें आपको कि श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने पहले मैच में अर्धशतक जड़ा, हालांकि उस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। वहीं सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन को देखते हुए चौथे नंबर के लिए एक बड़ी बहस सामने खड़ी हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि अब देखना यह दिलचस्प होगा टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली किसे मौका देते हैं। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।